हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्ट। सो आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है, तो आज की वीडियो है इंडियन आर्मी हेल मार्च 2023। तो इससे अगर इस तरह की वीडियोस की बात की जाए तो हम इससे पहले भी जो है वो 2018 की भी आई थिंक सो जो फर्स्ट वीडियो हमने रिएक्ट की थी 18 की पे भी रिएक्ट कर चुके हैं और 22 वाली पे भी रिएक्ट कर चुके हैं। तो इस वीडियो को देखते हैं और एंड पे इसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। रेंज रोवर, ये इनके प्राइम मिनिस्टर हैं। ये चीफ टेक्नीशियन वालों का यूनिफॉर्म है एयरफोर्स में जो है। फ्लैग्स काफी तरह के, आई थिंक वो उसकी जो फर्दर उसमें है ना। इन फीमेल को हमने पहले नहीं देखा ना, इस हेल मार्च में इनको देखा। घोड़े, ये वाला भी पहले नहीं देखा हमने हल से इस तरह वाले। अच्छा, ये सारी परेड्स देखने में कितना मजा आता है, सिंक्रोनाइजेशन, टाइमिंग सबकी एक साथ। मुझे तो वो स्कूल वाले याद आया, आसान बात हो गया। टेंसर, ये GTA में होता था लेकिन ये रियल में। मिस्टर अर्जुन लिखा हुआ था इनके उसके ऊपर नाम हो गए। इमेजिन करो हम वहां पे खड़े हुए ऐसे। इतना फास्ट गुजरा, मैं रीड करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन गुजर इतनी जल्दी जा रहा है। अच्छा, इनका हाथ थक नहीं गया, काफी देर से सैल्यूट किया हुआ, इनका काम ही यही है। ये सिख टाइप है ना। शादी पे बैंड्स होते हैं, मैं एग्जैक्ट वही सोच रही हूँ, खासकर वो जो रेड वाला है। ये कैप कैसे चेंज है, एंगल पे लग रही है, 45 का एंगल। इस दफा काफी कुछ है ना। ये सही वुमेन पावर के यानी के उसको जाहिर करता है। ये नेवी है शायद, आई थिंक सो, चीफ टेक्नीशियन वाले रिपोर्ट करें, कंफर्मेशन मिल जाएंगे। अशोक सही था, नेवी वालों का तो वाइट यूनिफॉर्म होता ना पूरा।
मुझे जैपनीज टाइप लग रही है जो कुंग फू कराटे ख्याल में के डिफरेंट कंट्रीज के लोग भी हैं। अच्छा इनको फीमेल लीड कर रही है, पीछे सारे यानी मेल थे और आगे एक फीमेल, ये वाले शादी के इवेंट्स थे ऐसा लगे। हेड कैप का डिजाइन मे बी किसी कल्चरल से रिप्रेजेंट करके हो, अगर ये छूट जाए हाथ से उनके। ऐसे कैट वॉक कर ये तो डेफिनेटली कल्चरल उससे है ना, ये भी नहीं था ना पहले। अब कैमल्स यहाँ पे ट्रक्स को सजाया जाता है वैसे, ऐसे फौजी कैमल। अच्छा ये इनके जो लिखा हुआ है 5.58 मिलीमीटर और ये सब कुछ, मतलब तो किसके हाथ से लिखा हुआ है, लाइक उनकी हाइट रेट वगैरह या फिर उसके स्पीड वगैरह के हाथ से नहीं भी। स्कूल यूनिफॉर्म लग रहा है ना, शायद इतना सारा कुछ डेकोरेट कितनी मुश्किल से किया होगा। ये भी कल्चरल लास्ट टाइम वाले में हमने बाइक्स वाला देखा था, इसमें हमने जब वो नहीं दिखा ना। और एरोप्लेन्स का भी था शायद। आ गया इसे देख के इंडिया स्कोर टैलेंट किया गया है उसमें सेंट। हाँ सबसे ज़्यादा मुश्किल काम बाइक चलाने वाले का है, अगर ये जो सारे इकट्ठे चल रहे हैं ना जिस पर इतना ज़्यादा लोड। तो सबका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं चीज़, ये परफेक्शन जो है ना उसको डिस्क्राइब कर रहा है। एयरप्लेन का भी आ गया, हेलीकॉप्टर्स ये कौन सी गाड़ी नंबर से वही है। लो तुम भी आ गई हो तो इसमें अगर बाकियों के निस्बत कंपैरिजन में देखा जाए तो इसमें आई थिंक सो एक वो
कल्चरल वाला जिसमें काफ़ी ज़्यादा था वो नया देखने को मिला, और वो जो हॉर्सेस वाला था वो इससे पहले वाले जो हमने दो देख चुके हैं हेल मार्च उनमें हमने नहीं देखा था। तो सबसे पहले तो इस वीडियो में हमें काफ़ी कुछ जो है वो नया देखने को मिला, यानी कि पिछली वीडियोस में तो हमने देखे थे परेड्स वगैरह, लेकिन इसमें मेरे ख्याल में और बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने पिछली परेड्स में नहीं देखी हुई, जैसे कि वो कैमल वाला और हॉर्सेस वाला इससे पहले वीडियोस में हमने नहीं देखा था। मेरे ख्याल में हॉर्सेस फिर भी होते थे पहले परेड्स में, लेकिन कैमल का न्यू था मेरे ख्याल में, पहले कैमल्स नहीं थे। और उसमें भी आगे दो तरह के, यानी कि एक तो उन्होंने पूरा डेकोरेट किया हुआ था और एक फौजी जिस तरह होते हैं आर्मी का ड्रेस, और उसके अलावा वो जो कल्चरल में हल ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देखने को मिली इस वीडियोस में बाकी पहली दो वीडियोस की नस्बत, जिस तरह जिसमें वो जापानीज टाइप लग रहे थे जिन्होंने रेड कलर का पहना हुआ था, दूसरी कंट्रीज के लोग भी थे इस वाली हेल मार्च में। अगर आप लोगों को यानी पता है तो आप कमेंट्स में बताएं कि इसमें और कौन कौन सी कंट्रीज के लोग जो है वो शामिल थे परेड में। तो बाकी ये है कि कल्चरल रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस वाले हेल मार्च में ज़्यादा देखने को मिली, और वुमेन का मुझे बहुत अच्छा रोल लगता है जब भी परेड्स में वो पार्टिसिपेट करती हैं, यानी कि फेमिनिस्ट नहीं जी, यानी ये एक अच्छी चीज़ है जो पूरी दुनिया को जाहिर होती है कि हर चीज़ में इक्वालिटी है, अगर मैन ये काम कर सकते हैं तो वुमेन क्यों नहीं। तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है कि नहीं, अगर हम दूसरी चीज़ों में बराबरी को देखने के बजाय इसमें देखें तो ये कितना प्राउडफुल मोमेंट होता है कि यानी इतने सारे लोगों के सामने आप कितनी कोऑर्डिनेशन से सारा कुछ कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्राउडफुल मोमेंट मुझे इसका यही लगता है कि इतनी वो यानी अपनी हार्डवर्क करते हैं इस परेड के लिए, कितना उन्हें प्रिपेयर करना पड़ता होगा पहले, और इसमें वो डिसिप्लिन के साथ करते हैं सारा कुछ। और वीडियो के स्टार्ट में जो उन्होंने फ्लैग्स दिखाए चार तरह के, आई थिंक सो, मुझे कन्फर्मेशन तो नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से वो जैसे कि इसके पूरे उसमें जो एयरफोर्स का था उसका उन्होंने वो जो है वो स्काई से कलर का और नेवी का वाइट से कलर का, यानी और स्टार्टिंग में एक फीमेल भी थी यानी जिनको बहुत ज़्यादा दिखाया गया वीडियो के दरमियान में, जो हर यानी पूरा टाइम उन्होंने सल्यूट किया हुआ था। तो ओवरऑल हमें ये परेड देखने में बहुत मज़ा आया, और हमेशा ये देखने में मज़ा आता है, एक अंदर जो है जोश सा यानी पैदा हो जाता है इस तरह की चीज़ें देखने के लिए, और ख़ासतौर पर जो कंट्री के लोग होते हैं उनको अपनी परेड देख के बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। जैसे कि अगर हम पाकिस्तान में जैसे परेड हो रही होती है वाघा बॉर्डर की परेड, तो ख़ासतौर पर बहुत ज़्यादा इंजॉय की जाती है जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों, क्योंकि बहुत ज्यादा रश मतलब भी होता है। वैसे भी नेचुरली भी यानी इंडिया और पाकिस्तान की कोई भी चीज हो तो उसको देखने का एक अपना ही मजा आता है कि वैसे तो इंडिया और पाकिस्तान में अगर कोई मैच भी हो यानी कि कोई यानी जैसे मैच क्रिकेट का हो रहा होता है तो वो जो एक टाकरा सा चल रहा होता है टीवी पे, इंडिया और पाकिस्तान के मैच से पहले टीवी पे एक टाकरा चल रहा होता है वो मतलब उसके बगैर मजा नहीं है मैच, इतना मजा आता है। उसके बाद जो मीम्स बनती हैं उस पे वो भी देखने का बहुत मजा आता है, और वो सब अपनी जगह, लेकिन दोनों जो पूरी एफर्ट से खेलते हैं उसका एक अपना मजा आता है, फिर हार जीत तो होती रहती है एंड पे, तो यही कहना होता है। तो बाकी ये कि मजीद आपके जो भी वीडियोस वगैरह हों आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।